ओके, वंस वी हैव क्रिएटेड ऑल द पीएनजीज, हमने सारी पीएनजीज एक्सट्रैक्ट कर दी, तो हम मूव करेंगे अपनी फाइल्स को। कैसे? अब यहाँ हमारी बहुत सारी पीएनजीज हमारी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी होंगी, तो मैं जो मेरी प्रैक्टिस है वो पीएनजीज को एक तरफ करके मैं सारी पीएनजीज यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, कट के ऊपर कंट्रोल एक्स, एंड जहाँ मेरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है प्रीमियर सोर्स फाइल पीएनजी पेस्ट। ओके, नाउ जो मेरा एनिमेटिक्स होता है, जो मेरा शूट आता है नरेटर का, वो भी मैं यहाँ से कॉपी करके ले जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, सोर्स फाइल नरेटर शूट। ओके, नाउ लेट्स हम अपना प्रीमियर ओपन कर लेते हैं। अब हम अपने एनिमेटिक्स की तरफ चलेंगे। सो हमारा ये प्रीमियर का प्रोजेक्ट आ जाता है। फर्स्ट हम अपना मेन सीक्वेंस बनाएंगे, न्यू आइटम सीक्वेंस, मेन कॉम्प होगी हमारी ये। ओके, सेटिंग्स कस्टम्स, इसको मेक श्योर करेंगे 25 FPS, 1920x1080, ये हमारा स्क्वायर पिक्सल होना चाहिए जो 69 का रेशो है, एंड हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये हमारी मेन कॉम्प बन गई है जिसको हमारा मेन स्ट्रीम होगी। नाउ हम अपनी PNGs को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जितनी भी हमारी PNGs हैं यहाँ पे रखी हुई डेस्कटॉप, एंड देन सेम वही फोल्डर जहाँ मैंने PNGs रखी थी अपनी सोर्स फाइल PNGs, इसके ऊपर मेक श्योर इमेज सीक्वेंस पे कोई चेक ना लगा हुआ हो। ओपन, ये हमारी PNGs यहाँ पर इंपोर्ट हो गई हैं। अगर ये यहाँ पर इस तरीके से दी गई हो लाइक दिस और दिस, तो मैं इसको डिटेल कर लेता हूँ, दैट्स मीन कि ये मेरी सारी जो होती हैं, और मैं इसको नेमिंग को, तो मेरे सीक्वेंस वाइज आ गई हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, नाउ मैं इंपोर्ट करता हूँ कंट्रोल आई अपना शूट जो है नैरेटर का शूट। ओके, ठीक है, मेरा नैरेटर का शूट भी आ गया। नाउ मैं सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसको यहाँ पे, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। ओके, हो सकता है मेरा जो ये शूट हो, ये थोड़ा सा जो है इसकी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, 1920x1080 25 FPS पे शूट हुआ है। ओके, एस्पेक्ट रेशियो 1 है, एंड माई जो मेन कॉम्प है 1920x1080 25 FPS स्क्वायर पिक्सल्स 1। ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ऑडियो नहीं आई है, एक मिनट। Everyone, I hope you are all geared up and ready to continue learning about biodiversity. ओके, लिंक सिलेक्शन पे क्लिक होना ज़रूरी है जिसकी वजह से ऑडियो नहीं आ रही थी, आपका लिंक सिलेक्शन पे क्लिक होना ज़रूरी है। ओके, मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास एक वीडियो फाइल आ गई है, ठीक है, इसको हमें ड्रॉप लॉन्ग करना है, हिस्ट्री हमने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया। ओके,
इसको हम चाहें तो रेड कलर कर सकते हैं लेबल से कि इसको हमें छेड़ना नहीं है। कोई भी कलर दे सकते हैं, इसको रोज़ कलर दे दिया सेम। ये हमारे पास एक फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई है। ओके सो अब हमारे पास हमें सीक्वेंसेस बनाने हैं। पहले हम आते हैं बोर्ड पे, पहले आ रहा है हेलो एवरीवन, तो ये चल रहा है। सेकंड आ रहा है, ये साइड में हो गया, एंड बायोडायवर्सिटी। आई होप यू आर ऑल गेट अप एंड रेडी टू कंटिन्यू लर्निंग अबाउट बायोडायवर्सिटी। लेट्स बिगिन राइट अवे। सो आई होप से हमें ये, मैं ऑल्ट दबा के व्हील को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है। प्लस माइनस से भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर आई होप से हमें यहाँ से, अच्छा एरो की से मैं नर्च कर सकता हूँ। सबसे पहले क्रोमा रिमूव करना, सेलेक्ट करता हूँ, अल्ट्रा की लिखता हूँ। अल्ट्रा की एक अफेक्ट है, की को पकड़ के ड्रॉप करता हूँ उसके ऊपर, एंड देन इसके अफेक्ट्स कंट्रोल ये आ रहा है आपके पास अल्ट्रा की। मैं यहाँ से सेलेक्ट करके कलर पिक कर देता हूँ इसका। ओके एंड देन मैं इसकी कलर करेक्शन या मेट के जनरेशन के अंदर मैं इसको थोड़ा सा हाइट कर देता हूँ, 50 कर दिया। ओके नाउ मुझे इसकी कुछ मास्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी करेक्शन के लिए, तो अल्ट्रा की में ही मास्क है, सॉरी ओपेसिटी का मास्क मुझे लेना पड़ेगा। मैं इसी को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ मास्किंग को। अच्छा स्फेरन की जो होती है, जिसको आप वो कहते हैं वन के बराबर में होती है स्केप के नीचे, जिस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ फुल स्क्रीन हो जाएगी लाइक दिस। ओके तो मैंने स्क्रीन को सेलेक्ट किया स्फेरन की से, ओके मैं थोड़ा सा इसको साइज को लोअर कर लेता हूँ 50%। ओके एंड देन मैं इसको यहाँ से मास्क को इन्वर्टेड कर देता हूँ तो ये मेरे पास फिट आ गया है। ओके ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब मैं ये दो फाइल्स जो हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ कहाँ पे, आई होप पे रखता हूँ मैं दो फाइल्स, दो PNGs हैं हमारी ये। ओके ये आई ऑफ हो गई है, आई ऑन कर दी। ओके सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया नेक्स्ट, और मैंने नेम वही दे दिया जो इसका इनिशियल नेम है 03। साथ साथ हमारी ये भी मेंटेन होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं इसकी नेस्टिंग नहीं छेड़ूंगा, नेस्टिंग की पोजीशन नहीं छेड़ूंगा। ओके अब ये दूसरा सीन जो जा रहा है, रेडी टू कंटिन्यू लर्निंग अबाउट बायोडायवर्सिटी, अबाउट बायोडायवर्सिटी कह रहा है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा पहले इसको 15 फ्रेम्स को पैक करता हूँ, शिफ्ट अगर मैं शिफ्ट करके एरो की से जाता हूँ तो 5 फ्रेम्स बैक जाता है, और अगर खाली एरो की दबाता हूँ तो वो सिंगल फ्रेम आगे पीछे जाता है। ओके नाउ अब यहाँ पर मेरा बायोडायवर्सिटी कह रहा है तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ। अब यहाँ पर बायोडायवर्सिटी एकदम ब्लिंक हो रहा है। अब मैं एक को पकड़ के किसी एक को फ्रेम लगाऊँ मैं तो मैंने यहाँ पे प्रीसेट्स बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि प्रीसेट्स बनते कैसे हैं।
सॉरी प्रीसेट्स, मैंने 15 फ्रेम्स के प्रीसेट्स बनाए हुए हैं, और भी प्रीसेट्स बने हुए हैं ऊपर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ चार या हम लोगों को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है कि ना हमें कोई चीज़ पॉपअप करनी है, ना बहुत जल्दी खोलनी है। 15-20 फ्रेम्स का मार्जिन के अंदर हमें काम करना है, लेकिन सिर्फ ओपेसिटी नहीं चलेगी, ओपेसिटी और पोजीशन का दोनों का एक मिक्सचर चलेगा। बहुत ज़्यादा पॉपअप नहीं चलेगा, स्केल बहुत स्मूथली होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ प्रीसेट्स बनाए, मैं आपको दे दूँगा। ये आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंपोर्ट प्रीसेट से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का अफेक्ट बना के राइट क्लिक करके सेव प्रीसेट्स भी कर सकते हैं। तो जस्ट हमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है लाइक दिस, कि मैं अगर अपेयर टॉप टू बॉटम 15 फ्रेम्स अगर मैं इसको इस पर प्लेस करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो ये अपेयर होगा टॉप टू बॉटम। अगर देखा जाए तो ये 15 फ्रेम्स ही हैं, जस्ट 1 यानी 5 फ्रेम्स, 10 फ्रेम्स, 15 फ्रेम्स। ओके, दो कीज चल रही है खाली, ये पोजीशन ओपेसिटी, देख रहे हैं आप। सेम इसी तरह मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, कर सकता हूँ पकड़ के इसके ऊपर भी, तो दोनों साथ ड्रॉप होंगे। ठीक है, कंट्रोल जी, फ्रेम अफेक्ट हटा दिया मैंने। मैं दो एक इनको पकड़ के भी जहाँ मेरा टाइम स्लाइडर रखा हुआ होगा वहाँ पर फ्रेम्स चले जाएंगे। तो जब मैंने इन फ्रेम्स को मूव कर दिया है तो मैं इसको स्टार्टिंग में रखूँ और यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँ लाइक दिस। ओके, अब ये स्टार्टिंग में जो नरेटर था सेंटर में था, देन इसको साइड में जाना, देन बायोडाइवर्सिटी अपेयर होना है। सो बहुत पहले अर्ली भी नहीं करना मुझे, यहीं से साइड में हो जाए। अब मैं ये देखता हूँ कि ये जो है मेरी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कहता है, तो हमें जो अपना नरेटर मूव करना है वो 20 फ्रेम्स के अंदर मूव करना है। मेक श्योर कि हमारा नरेटर ना तो नीचे जाएगा ना फ्रेम से बाहर जाएगा, सिर्फ राइट लेफ्ट और सेंटर आ सकता है, ना स्केल हो सकता है। एक चीज़ हो सकती है अपेयर डिसअपेयर हो सकता है, मींस ओपेसिटी से जा सकता है, ओपेसिटी से वापस आ सकता है, लेकिन वहाँ लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है और सेंटर मार्जिन है। ना वो राइट से ज़्यादा बाहर जाएगा, ना वो लेफ्ट से ज़्यादा बाहर जाएगा, मतलब कि बाहर नहीं जा सकता, फ्रेम से बाहर नहीं जा सकता, फिर अपेयर डिसअपेयर हो सकता है लाइक दिस। अब जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में 15 फ्रेम्स का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है फेड इन 15 फ्रेम्स, मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, तो मेरा नैरेटर इस तरीके। हेलो एवरीवन, सॉरी फेड आउट लग, फेड इन। ओके, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ प्रीसेट प्रॉपर्टीज, इन पॉइंट पे लगना चाहिए। ओके, मैं फेड इन करता हूँ इसको 15 फ्रेम्स में, तो ये ऐसे फेड इन हो गया। ओके, जब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की तरफ जाइए, यहाँ पर अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर इसको यहाँ पे रखता हूँ, ready to continue learning biodiversity यहाँ पे हो रहा है। तो मैं इसको 1, 2, 3, 4 फ्रेम्स के ऊपर मैं पोजीशन दे सकता हूँ यहाँ पर इसको 20 फ्रेम्स के ऊपर 5, 10, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं 5, 10 15 एंड 20, एक की फ्रेम में लगाता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको साइड पे कर देता हूँ यहाँ से। ओके, नाउ रिव्यू करें आप। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गेयर्ड अप एंड रेडी टू कंटिन्यू लर्निंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी। ओके, यू आर ऑल गेयर्ड अप एंड रेडी टू कंटिन्यू लर्निंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी। ओके,
अब इसने पॉइंट आउट किया है यहाँ पे, तो बायोडाइवर्सिटी पॉइंटिंग आउट कर दिया इसको। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी। लेट्स बिगिन राइट अवे, यहाँ तक जाएगा। लेट्स बिगिन राइट अवे, ओके। अगला सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा, मैं इसको यहाँ तक एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ओके, मैंने यहाँ तक इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। नाउ अब इसके बाद जो सीन आता है वो आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ फोर्थ के ऊपर आते हैं हम लोग। तो फोर्थ हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। राइट, पहला सीक्वेंस। अच्छा, ऑल्ट दबा के अगर आप किसी क्लिप को, मीडिया को सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट दबा के अगर आप रैकी करते हैं तो ये ऊपर जा सकता है, देख रहे हैं? अब डाउन से मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। और ऑल्ट दबा के अगर आप राइट और लेफ़्ट करते हैं तो ये मूव होता है वन फ्रेम। इसी तरह शिफ्ट दबा के करते हैं तो ये 5-5 फ्रेम्स की मूवमेंट होती है। ओके, ये हमारा दूसरा सीन आ गया। पहली फाइल इंपोर्ट हुई, दूसरी फाइल हमने यहाँ पर प्लेस कर दी, ठीक है। तीसरी फाइल हमने प्लेस कर दी, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है। चौथी फाइल हमने प्लेस कर दी यहाँ पे, हमारी ये चार फाइल्स यहाँ पर प्लेस हो गई हैं। मैं चाहूँ तो कंट्रोल दबा के करूँगा तो ये मैं लेयर्स के ऊपर जा सकता हूँ। ऑडियो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, अगर मेरे पास ऑडियो ज़्यादा नहीं है तो मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ, डिलीट ट्रैक्स कर सकता हूँ। ये बोल रहा है डिलीट, मैं अगर करूँ कि डिलीट ऑडियो ट्रैक्स ऑल एम्प्टी ट्रैक्स, ओके, मेरे ऑडियो ट्रैक्स एम्प्टी ट्रैक्स डिलीट हो गए। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ओके, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इनका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट। PSD है मेरी 04, ओके, PSD 04 है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पर फेडिंग भी लगा है, अब ये कट हो रहा है ये। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पर लगाता हूँ फेड आउट 15 फ्रेम्स की, मैंने सिर्फ ओपेसिटी से फेड आउट लगा दिया मैंने, तो ये फेड हो रहा है। सो ओके ओके, एंड इसके ऊपर भी मैं फेड आउट लगा सकता हूँ। कैसे, इसको मैंने ओपेसिटी से सेलेक्ट किया, 15 फ्रेम्स पीछे गया और मैंने इनको यहाँ से ओपेसिटी से फेड आउट कर दिया। ओके, दोनों फेडिंग और फेड आउट हो गए। इस पूरे सीक्वेंस को मुझे फेडिंग करना ही है, तो फेडिंग यहाँ डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट फेडिंग भी कर सकता हूँ यहाँ से पूरा सीक्वेंस जो है। सो ओके, ये देख लें, इफेक्ट देख लें। सो रिमेम्बर, ओके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं थोड़ी देर के बाद जाके अंदर जाके अब मैं देख रहा हूँ सिस्टम ऑफ रिमेम्बर लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट हाउ बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन हमारा पूरा फ्रेम एम्प्टी रहेगा। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ ताकि गैप ना आए। सो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है मेरा ये हेडिंग, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ और अपीयर टॉप टू बॉटम, ऐसे कर सकता हूँ मैं। ओके, अपीयर टॉप टू बॉटम, इसी के 15 फ्रेम्स के बाद या साथ ही मैं इसको भी अपेयर करवा देता हूँ। मैं इसको चाहूँ तो ड्रैग अपेयर टॉप टू बॉटम भी कर सकता, बॉटम टू टॉप भी कर सकता हूँ, बॉटम टू टॉप आ गया लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मुझे लग रहा है कि ये फास्ट है तो मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, ये रहे की फ्रेम्स को पकड़ के। अगर ये यहाँ रखे हुए, इसको मैंने 15 फ्रेम्स और एक्सटेंड कर दिया। ओके, सेम फॉर दिस, इसको मैंने यहाँ से 15 फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट कर दिया,
थोड़ी सी मूवमेंट इसकी स्लो हो गई, ओके थोड़ा सा स्मूथ हो गया, ओके अच्छा अब ये सीक्वेंस मैं छोड़ दूँगा क्योंकि ये मेरा एनिमेशन है। मैं आपको अगले पार्ट पे बताता हूँ कि ये एनिमेशन कैसे निकालते हैं इसकी, ओके मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारा अगला जो है वो ये बोल रहा है डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट हेल्प से शुरू हो रहा है। रिमेंबर लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट हाउ बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट हेल्प से शुरू हो रहा है यहाँ पे। अच्छा दैट हेल्प पे रखे मैंने, मैं चाहूँ तो इसको छोटा भी कर सकता हूँ ऐसे, ओके एक और चीज़ है सी, सी फॉर रेजर टूल है, ये मेरा ये रेजर टूल है सी, इसको मैं यहाँ रख के कट करूँ। एंड देन वी 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 फॉर सेलेक्शन टूल है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। लेकिन इससे कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी वीडियो कट गई है, इसका ये है कि बाद में भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं जो उसकी ओरिजिनल टाइमिंग है, ओके नाउ मैं इसको जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे सेट कर देता हूँ, ओके ये इसी को है होल्ड दबा के मैंने सबको एक ही लेयर के ऊपर रखा, नीचे का एक मार्जिन रखा है मैंने, ये बैकग्राउंड लेयर का मार्जिन रखा है मैंने, ओके अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरी बैकग्राउंड लेयर जो है वो पहले से ही प्लेस कर सकता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड लेयर प्लेस कर दी है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक, ओके हमारा बैकग्राउंड लेयर स्टार्ट से लेके एंड तक प्लेसमेंट कर दिया हमने। नाउ अब मैं बनाता हूँ तीसरा सीक्वेंस, फिफ्थ सीक्वेंस, ओके फिफ्थ के अंदर पहला आइटम जो है अगर आप चाहो तो डबल क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं, ओके तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक सीक्वेंस, एक आइटम आ गया मेरा, देन सेकंड आइटम, देन थर्ड आइटम, ओके नाउ फोर्थ वन, नाउ फिफ्थ वन, नाउ सिक्स वन। मैं चाहूँ तो मैं और भी लगा सकता हूँ, लेयर्स बढ़ जाएंगी, इससे कोई इशू नहीं है, चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ये लगती चली जाएंगी। सॉरी मैंने डबल ले लिया, ओके ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और ठीक है एंड देन ये, ओके ओके एस्केप के लिए मैंने फेरन दबाया, राइट क्लिक, चाहूँ तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर लूँ पहले, एंड देन राइट क्लिक नेक्स्ट, ये सीक्वेंस है मेरा 0505, ओके अब मैं इसको दैट हेल्प देम इन क्लासिफाइंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन अब ये ऑर्गेनिजम्स यहां ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप, अब ये मुझे बोल रहा है यहां पे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप, ग्रुप्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। अब मैं यहां पे ग्रुप्स, मैं अगर चाहूं तो ग्रुप की एक लेयर ले सकता हूं यहां पे, ग्रुप, ओके अब मेरे ऊपर है कि मैं टॉप टू बॉटम करता हूँ या बॉटम टू टॉप करता हूँ, तो मैं इसको ग्रुप, ठीक है एंड देन इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप, अब मैं इसको सब ग्रुप पे रख लेता हूँ यहाँ पे, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ओके इसके ऊपर मैं आप टॉप टू बॉटम, ठीक है ये ग्रुप सब ग्रुप, ओके अच्छा जब ये ग्रुप पर आए तो ये नीचे वाले आ जाएं, सब ग्रुप पे आए तो ऊपर वाले आ जाएं, बॉक्सेस जो हैं लाइक, अब मैं इस बॉक्स को देख लेता हूँ ये बॉक्स कहाँ रखा हुआ है, ये सारे ग्रुप वाले बॉक्सेस हैं, ये ग्रुप का बॉक्स है, अच्छा जैसे ही ग्रुप पर आए
15 फ्रेम्स के बाद ये बॉक्स आ जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, एनिमेशन ऐसे होगी लेफ्ट टू राइट ग्रुप। ओके, लेफ्ट टू राइट, इसको मैं और थोड़ा पीछे कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ऑल्ट एरो की, ऑल्ट शिफ्ट एरो की, 5 फ्रेम्स के गैप दे दिया मैंने ग्रुप। ठीक है ग्रुप, ठीक है, एंड देन सब ग्रुप ग्रुप। अब ये वाला बॉक्स है वो है डाउन वाला, तो मैं इस पर इन तीनों के ऊपर मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तीनों को मूव कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ग्रुप के 5 फ्रेम्स का मैं गैप दे देता हूँ। सो ये वाला बॉक्स है डाउनवर्ड, तो मैं इसको बॉटम टू टॉप, आप किसी भी तरीके से जो अच्छा लगे एनिमेशन। ये वाला बॉक्स है राइट, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो राइट टू लेफ्ट कर सकता हूँ। ओके, एंड देन ये वाला लेफ्ट टू राइट कर सकता हूँ। ओके लाइक दिस, ओके समझ में आया आपको। अब मैं अगर चाहूँ तो इनको एक साथ भी अपेयर कर सकता हूँ और अलग अलग भी अपेयर कर सकते हैं, जैसा आपको आसानी लगे। ओके नाउ, अब ये जब ये आए, ये आपको अपना सेंस बनाना पड़ेगा कि करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने 10 फ्रेम्स का गैप दिया है और मैं इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पे अपेयर टॉप टू बॉटम। ओके, एंड देन 10 फ्रेम्स के गैप के ऊपर मैंने इन दोनों को भी अपेयर टॉप टू बॉटम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट दैट हेल्प देम इन क्लासिफाइंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स दैट हेल्प। ओके, अब यहाँ हमारे बहुत गैप आ रहा है, तो मुझे ऑर्गेनिज्म बहुत देर बाद आ रहा है, जो ऑर्गेनिज्म अपेयर कर देना है यहाँ पे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ रीडेबिलिटी का बड़ा ख्याल रखना, अगर रीडेबिलिटी अगर नहीं होगी लाइक दिस, कोई चीज़ आई 1 2 3 4 एटलीस्ट आप एज अ स्टूडेंट या लर्नर उसको देखेंगे कि क्या उसकी रीडेबिलिटी आ रही है। अगर हम उसके उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले भी अपेयर करनी पड़े तो हम कर देंगे, नो इशू। Like this. Classification that help them in classifying different classification that help them. अब ये कट पे आ रहा है. Okay. इसके एंड में मैं 15 फ्रेम्स का फेड आउट 15 फ्रेम्स लगा देता हूँ. तो ये थोड़ा सा. That help them in classifying different organisms into groups and subgroups. Okay, ये आ गई. ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ओके, तो ये अगली इसी तरह अब ये अगली हमारे पास एनिमेशन यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो यहाँ रख के इसको सी रेजर टूल कट वी सेलेक्ट डिलीट। ओके, अब इसके आगे मैंने फेड आउट 15 फ्रेम्स लगा दिया, आई एम श्योर योर अगला सीन शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत सारे वो शुरू हो जाएंगे बनना, सीक्वेंसेस बहुत सारे बन जाएंगे। नेमिंग का बड़ा ख्याल रखिएगा, यहाँ से हमारे अगर आप इनको सॉर्ट करेंगे एक तरफ टाइप के से, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू होंगी। 4K सीक्वेंस ये रहा आइटम, और नेमिंग्स के हिसाब से करेंगे तो ये सारे वहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे ऐसे। ओके, सो इस तरीके से आप अपना पूरा एनिमेटिक्स यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, एन अच्छा, ओ फॉर द एंडिंग पॉइंट होम एंड आई स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारी सिलेक्शन हो जाएगी।
जब हम रेंडर निकालेंगे यहाँ से। ओके सो इस तरीके से हम अपना एनिमेटिव जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके सो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ आपको कि हम इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप्स हमारे जो है हमने बहुत सारे प्रीसेट्स बना लिए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रीसेट बनाकर दिखा देता हूँ, लाइक दिस इसकी एंडिंग है। अब एंडिंग में मैं कोई भी आइटम अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, लेट सपोज ओपेसिटी, चार फ्रेम्स का मैंने, मतलब चार नहीं सॉरी 20 फ्रेम्स का मैंने ओपेसिटी लगाई है, नेक्स्ट की फ्रेम ज़ीरो, ओके 20 फ्रेम्स की मैंने इस पर मैंने 20 फ्रेम्स की मैंने की रेस्ट ऑफ आवर डिस्कशंस ऑन बायोडायवर्सिटी इन द फॉलोइंग वीडियो। देख रहे हैं ये मैंने लगाई है। अब अगर मैं इस चीज को चाहता हूँ कि ये एक अफेक्ट प्रीसेट बन जाए, राइट क्लिक सेव प्रीसेट, अभी पूछता है कि प्रीसेट का नाम क्या देना है, मैं बोल सकता हूँ ओपेसिटी प्रीसेट फेड आउट। अब ये अप्लाई का हूँ स्केल, मतलब पूरे पे अप्लाई हो जाए, जो जितना बड़ा आपका सीक्वेंस है। एंकर इन मतलब स्टार्ट से शुरू हो, एंकर आउट मतलब कि उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो एंडिंग पे टच कर रहा हो, तो तीनों आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने फेड आउट बनाया तो मुझे एंकर टू आउट पॉइंट बनाना होगा, तो यहाँ पर देखें ये ऑलरेडी आ चुका होगा ओपेसिटी प्रीसेट फेड आउट, देख रहे हैं, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। आप अपने बहुत सारे अफेक्ट्स के प्रीसेट बना सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके खेल सकते हैं। ओके जब हम अपना एनिमेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे तो हमें प्रीव्यू के लिए उसको भेजना होगा। तो हम प्रीव्यू कैसे बनाएंगे उसका, एनिमेटिक्स का होम दबाएंगे, आई आई हमारी ये वाली की है स्टार्टिंग आई एंड एंड ओ एंडिंग है, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। ओके कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। प्रीव्यू के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ से चेक हटाएंगे इसको 1280 720 कर देंगे। अगर टाइम बहुत शॉर्ट है और सिर्फ प्रीव्यू कराना है तो हम इसका और साइज़ छोटा कर लेंगे, हम एक्सपेक्ट रेशियो नहीं चढ़ेंगे। ओके नेम हम क्या करेंगे, हम एनिमेटिक्स सेव कहाँ पे करेंगे, सो हम अपना एनिमेटिक्स जो है वो सेव यहाँ पे करेंगे। प्रीमियर के किसी फोल्डर में हम अपना एनिमेटिक्स सेव नहीं करेंगे। ओके लाइक दिस, इस फोल्डर के अंदर हम अपना एनिमेटिक्स सेव नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना सकता हूँ एनिमेटिक्स रेंडर। ओके एनिमेटिक्स रेंडर नेम मुझे नेमिंग मुझे किस तरीके से करनी होगी अपनी, मैं यही प्रोजेक्ट का नेम लूँगा। ओके एनिमेटिक्स रेंडर में जाऊँगा, यही प्रोजेक्ट का मैं अपना नेम लूँगा और ब्रैकेट में लिखूँगा मैं एनिमेटिक्स। दैट्स मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमेटिक्स क्या है वो है, इसके अंदर एनिमेशन नहीं है। ओके मैं इसको सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा, तो ये इसका यहाँ से रेंडर निकलना शुरू हो जाएगा। ओके चूँकि इनका फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा बनता है तो हम प्रीव्यू कराने के लिए ये अपने पास सेव रखते हैं, प्रीव्यू कराने के लिए हमारे पास एक टूल होता है हैंड ब्रेक, हम हैंड ब्रेक करते हैं जिससे उसका फाइल साइज़ जो है वो बहुत नीचे चला जाता है, लाइक वाइस 20-25 MB एंड देन हम उसको सिंक स्केच पे अपलोड करके रिव्यू के लिए भेज देते हैं। ओके सो सिंक स्केच पे कैसे अब रिव्यू करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ।